तो तुम और जेनिफर हाफ डीमंस हो। तुम्हारे जैसे और भी हैं और वो बच्ची सीधे शैतान की औलाद है। ए, ऊंचा सुनता तुम। जेनिफर को आखिरी बार कब देखा था? उसको बेबी होने को था तो मैं उसको बोला था कि मेरा नया बाजार वाला खोली में जा उदरीच रहे और बेबी हो तो उसको चला गया एंड बेबी को भी नहीं मारा वो। चलो उठो, तुम्हारी खोली पर चलते हैं। बट जेनी उधर नको। चलो तो तेरे को क्या मांगता अभी? उस लड़की ने एक्सीडेंट कराया, जिन लोगों ने उसे गोद लिया उन्हें ही पागल बना दिया। फिर अनाथालय में आई तो दिया तक पहुंच गई, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वो दोनों वहां पहुंचते हैं। विनय वहां तलाशी लेता है कि जेनिफर का कुछ सुराग मिले। ये वही जगह थी जहां लिलियाना का जन्म हुआ था। तेरे को जेनी इधर पे बैठकर निच्चू मिलेगा क्या? यहां कुछ है। विनय के एक हाथ में एक चिट्ठी थी जो काफी पुरानी जर्जर हो चुकी थी। विनय उसे पढ़ता जा रहा था और उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसका लेटर होने का? विनय ने जवाब नहीं दिया, उसे पढ़ता रहा। वो जेनिफर की चिट्ठी थी जो जानती थी विनय उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। और मारियानो ने उसे जो डीमन सोसाइटी के बारे में बताया था वो तो कुछ भी नहीं था। इन सब की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 9 साल पहले। कहाँ गई? अभी तो इधर ही थी, तो ढूंढना खड़ा क्या है? और तभी वो लड़की खुद ही सामने आ गई। उन लोगों को पता नहीं था कि वो उन्हें छकाते हुए वहां लाई थी। तभी उस लड़की ने आंखों से कुछ इशारा सा किया और अगले ही पल उन कुत्तों ने अचानक ही बदमाशों पर हमला कर दिया। वो लड़की आराम से खड़ी रही। वो जेनिफर थी, एक निडर और बिंदास लड़की। उसका आवारा कुत्तों पर गजब का नियंत्रण था। क्यों? ये वो भी नहीं जानती थी। वो कॉलेज का पहला दिन था। जेनिफर जो कि सेकेंड ईयर में थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर रैगिंग में व्यस्त थी। चलो सब इंट्रो दो अपना। पर जेनिफर का मन रैगिंग में नहीं था, वो तो फर्स्ट ईयर के एक लड़के को कब से घूरे जा रही थी। और जेनिफर उठकर सीधा उस लड़के के पास चली गई। ए, क्या नाम होने का तेरा? हाँ, विनय शर्मा। एक साल बाद अब जेनिफर और विनय अच्छे दोस्त थे। उन्हें जब समय मिलता वो समंदर किनारे बैठकर घंटों बातें किया करते थे। तू सेकंड ईयर में आ गया? हाँ, और तुम फिर से सेकंड ईयर में आ गए। तो क्या लगता तेरे को मैं कॉलेज फिनिश करके इधर से आउट करे और तू उधर दूसरा गर्लफ्रेंड बनाए? नक्कर रे। तुम कब से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? कैसे बने मैं तेरी गर्लफ्रेंड? किसी विस्ती को तू करता नहीं। आ, तेरे को बॉयफ्रेंड बनाती मैं अभी। जेनिफर छोड़ो, क्या कर रही हो? उधर कोई देख रहा है, छोड़ो। विनय ने सही कहा था, कोई देख रहा था उन्हें, जो बस दूर से किसी परछाई जैसा लग रहा था। तेरी तो मैं साला हलकट, वॉच करता मेरे को। कौन है वो, तुम जानती हो? हाँ मालूम मेरे को, कल मुंडी ठोकेगा तो वॉच करना बंद करेगा। जेनिफर पंगा नहीं, अभी लास्ट मंथ। वो कॉलेज का नहीं है रे, तू टेंशन मत ले। अगले दिन जेनिफर बेहद उखड़े हुए मूड से कहीं पहुंची। जेनिफर बहुत गुस्से में थी, उसने लात मारी और बाइक समेत वो लड़का भी गिर गया। उसका नाम विक्टर था। वो उसके पिता का गैराज था जहाँ वो खुद भी काम किया करता था। विक्टर जेनिफर को पसंद करता था। अरे जेनी, तू ये क्या किया? कितना टाइम बोला तेरे को कि मेरा पिच्छू नहीं आने का? मगज में घुसता नहीं कि खोपड़ी तोड़ के घुसाया अभी?
अरे पन हुआ क्या? मैं किधर जाता, किससे मिलता, उसे तेरे को क्या? फिर कभी मेरे को तू दिखाना तो। जवाब में विक्टर भद्दे ढंग से हंस दिया। लगता है वो छोकरा मूड खराब किया तेरा। वो है पपी, क्या नाम होने का उसका, विनय राइट? विक्टर आगे कुछ बोलता उसके पहले ही कोई विनय को कुछ कहे ये जेनिफर को पसंद नहीं था। विक्टर वैसे तो जेनिफर को पसंद करता था, पर अपने ही स्टाफ के सामने यूं बेइज्जत होना उसे खल गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा, पर वो जेनिफर को कुछ कर पाता इसके पहले ही मारियानो वहां आ गया। और आगे का सीन देख सबके जबड़े लटक गए जब डेढ़ पसली मारियानो ने विक्टर की गर्दन दबोच ली और हवा में कुछ इंच उठा दिया। Don't you dare! जेनिफर, विनय और शैतान के जन्म की कहानी जारी है अगले एपिसोड में।